गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर मोस्टली बच्चों की कोई भी क्वेरी नहीं आती। एक दो बच्चे हैं जो पर्सनल नंबर पे मैसेज करते हैं कुछ पूछने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप ग्रुप के अंदर पूछें, ठीक है ना, पर्सनल नंबर पे ना पूछ के। अब देखिएगा, अगर हम कल की क्लास की बात करें, कल हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था और टाइम ऑफ एरर के बारे में भी करा था कि कोई चाहे वो ग्रोस एरर हो या फिर रैंडम एरर हो, और उसके भी टाइम जैसे सिस्टमेटिक एरर होगी या इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी या पर्सनल एरर होगी, उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिएगा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एरर से रिलेटेड है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, देखिएगा एब्सोल्यूट एरर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, ठीक है, आपने मान लेते कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम मेजर किया और आपने वो रीडिंग को नोट की। जैसे फर्स्ट टाइम आपने A1 माना, सेकंड टाइम जो आपकी रीडिंग है उसको आपने A2 कंसीडर किया, थर्ड टाइम A3 कंसीडर किया। इस तरह से आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम मेजर किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करें। तो आप जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन निकालिए। कैसे, देखिएगा, लेट अस ऑब्जर्व एन टाइम एनी फिजिकल क्वांटिटी एज A1, A2, A3, up to AN। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से N टाइम क्या किया, उसकी रीडिंग को नोट किया है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करते हैं, अगर हम इसका मीन निकालें, सो जो मीन होगा इन ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वो कैसे निकालेंगे हम, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन N, दैट इज द मीन ऑफ दिस A1 A2 A3 अप टू AN ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, दैट इज रिप्रेजेंट एज AN माइनस A1। क्लियर, डेल्टा A2 दैट विल बी AN माइनस A2, डेल्टा A3 विल बी AN माइनस A3 एंड अप टू डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस AN। देखिए बच्चों, ये जो A1 A2 A3 अप टू AN डेल्टा AN तक जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, इनको जब सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव हो सकती है और कुछ नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्लियर, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो किसी भी आपको मेन जो क्वेश्चन आएगा वो इस ऑब्जर्वेशन दे दिया जाएगा आपको या रीडिंग दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है या मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का मीन निकालिए। क्लियर, ये मीन हो गया। और अब एब्सोल्यूट जब एरर निकालेंगे तो जो मीन में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे आप, इसी मीन में से सेकंड ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, थर्ड को माइनस करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे आप ही एन ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे। क्लियर, अब देखिएगा, अब सेकंड की अगर हम बात करें, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या मेथड यूज करना है, इसको हम लिखेंगे कि डेल्टा एन दैट विल बी ए वन
डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री अप टू डेल्टा ए एन अपॉन एन। यानी ये स्टेप क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्लियर, उन सभी को एज ए मॉडुलस कंसीडर करके, मॉडुलस का मीन्स क्या है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में भी आती है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और कुछ वैल्यू क्या आएंगी नेगेटिव में आएंगी, उन सभी को एज ए पॉजिटिव कंसीडर करना है। यानी जो मॉडुलस है उसके अंदर कोई भी वैल्यू चाहे वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये क्या हो गया आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो भी एब्सोल्यूट एरर आई है उन सभी का अगर हम मीन निकालेंगे वो क्या कहलाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर। थर्ड ऑप्शन पूछा जाता है कि रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर और इसी को हम फ्रैक्शनल एरर के नाम से बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो देखिएगा जो रिलेटिव एरर होती है वो कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो कितनी होगी वो अगर उसको देखें, दैट विल बी ए इक्वल टू डेल्टा ए मीन, यानी कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है ना, अपॉन ए मीन, क्लियर। यानी अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर में एब्सोल्यूट एरर का डिवाइड कर देते हैं या सॉरी मीन वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, रिलेटिव एरर, क्लियर। अगर हम बात करें परसेंटेज एरर की, परसेंटेज एरर क्या होगी अगर हम डेल्टा ए इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100, क्लियर। यानी अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, परसेंटेज एरर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर। तो इस तरह से आपसे फोर टाइप से एरर कंसीडर की जाती है, किसी भी न्यूमेरिकल में फोर टाइप से एरर फाइंड आउट की जाती है। कैसे, अगर एब्सोल्यूट एरर पूछी जाती है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, उससे क्या मिलेगी आपके पास, एब्सोल्यूट एरर आएगी, क्लियर। अब एब्सोल्यूट एरर के अंदर कुछ नंबर पॉजिटिव भी होंगे और कुछ नंबर नेगेटिव भी होंगे, क्लियर। अब जब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे तो सभी नंबरों को एज ए पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं और उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्लियर। तो दैट विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर। आफ्टर दैट इफ वी फाइंड द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर देन वी डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन एरर, क्लियर। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम मीन एरर से डिवाइड करते हैं दैट विल बी द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। एट लास्ट इफ वी फाइंड परसेंटेज एरर देन वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर बाय 100 देन इट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर, क्लियर। लेट अस डिस्कस ए न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक एज बच्चों, एक न्यूमेरिकल है आपके पास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड एज 1.29 1.33 1.34 1.35 1.32 1.36 1.30 एंड 1.33, क्लियर। यानी ये किसी भी वाटर के लिए उसका अगर किसी वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी ने मेजर किया एट टाइम, ठीक है ना, तो उसकी जो रीडिंग्स है वो इस तरह से उसने नोट की है, ठीक है। फाइंड द मीन वैल्यू, अब तो क्या करना है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, और उसके अलावा रिलेटिव और परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करनी है, क्लियर। अब देखिएगा अगर हम बात करें सबसे पहले कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो म्यू से लिखा जाता है, ठीक है, चाहे आप ए1 से लिख सकते हैं या म्यू से, ठीक है,
तो अगर हम बात करें म्यू वन के बारे में, तो म्यू वन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.29, क्लियर। अगर म्यू टू की बात करें दैट विल बी 1.33, म्यू थ्री इक्वल टू 1.34, क्लियर, एंड म्यू फोर इक्वल टू 1.35, म्यू सिक्स इक्वल टू 1.32, म्यू सेवन इक्वल टू 1.36 होगा, म्यू एट इक्वल टू 1.30, सॉरी फाइव, दिस विल बी फाइव एंड सिक्स दैट विल बी सेवन एंड म्यू एट इट विल बी 1.33, क्लियर। ये हमने ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन किया है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालते हैं, यानी जो म्यू मीन होगा अगर उसके बारे में बात करें, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो मीन है वो कैसे होगा, इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस म्यू फोर प्लस म्यू फाइव म्यू सिक्स म्यू एट अपॉन एट, क्लियर। यहां पर एट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ म्यू मीन इक्वल म्यू वन, इन सभी को ऐड करना है तो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.36 सॉरी 32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 अपॉन 8, क्लियर। एंड यू मीन इक्वल टू, देखिए हम इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, देखिएगा 9 आपके पास 1.3275, क्लियर। अगर हम इसको राउंड ऑफ में लिखें दैट विल बी 1.33, टू डिजिट की राउंड ऑफ में कर दिया हमने, क्लियर। तो ये क्या आ गया आपके पास है, मीन वैल्यू। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, यानी एब्सोल्यूट एरर के लिए यानी डेल्टा a1 दैट विल बी डेल्टा म्यू 1 दैट विल बी म्यू मीन माइनस म्यू वन दैट विल बी एज डेल्टा म्यू वन इक्वल टू म्यू मीन कितना हो गया बच्चों 1.33 माइनस एंड म्यू वन कितना है दैट इज 1.29 इट विल बी इक्वल टू 0.04, क्लियर। यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी होगी 0.04। अगर हम सेकंड की बात करें म्यू टू दैट विल बी डेल्टा म्यू टू म्यू मीन माइनस म्यू टू दैट इज विल बी डेल्टा 1.33 माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 1.33 दैट विल बी 0, क्लियर। नाउ डेल्टा म्यू 3 इट विल बी म्यू मीन माइनस म्यू 3 यानी डेल्टा म्यू 3 विल बी इक्वल टू 1.33 माइनस 1.34 दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 0.01, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट,
delta mu 4 mu in minus mu 4. This implies delta mu 4 equal to 1.33 minus 1.35. That will be negative of 0.0. Clear? And delta mu 5 equal to mu in minus mu 5. That will be delta mu 5 equal to 1.33 minus 1.32. That will be 0.01. Similarly, delta mu 6, mu mean minus mu 6. This implies delta mu 6 equal to 1.33 minus 1.36. That will be minus of 0.03. Clear? Delta mu 7, mu mean minus mu 7. That will be delta mu 7 equal to 1.33 minus 1.30. That will be 0.03. Clear? Last, delta mu 7 and mu 8 will be mu mean minus mu 8. That will be delta mu 8 equal to 1.33 minus 1.33. That will be 0. Clear? यानी हमने क्या किया है, डेल्टा म्यू 1 म्यू 2 अप टू म्यू 8 तक क्या किया हमने, फाइंड आउट किया। अब देखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनको ऐड करेंगे और उसी के बाद ठीक है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8 से डिवाइड करेंगे, यानी डेल्टा यानी इनको हमें मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा mu mean that will be देखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं सभी को पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है ना, अगर कुछ नेगेटिव है उनको भी कैसे कंसीडर करना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए इनका जो सम अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, that will be 120 upon 8. क्लियर? सभी को ऐड करेंगे 6, 7, 9, 10 एंड 14 एंड दैट विल बी 0.0175 दैट इज इक्वल टू 0.0. क्लियर? ये क्या होगी आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आपसे पूछा जाता है रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू मीन, ठीक है। तो डेल्टा म्यू मीन होगा 0.02 अपॉन मीन वैल्यू कितनी आई आपके पास 1.33। क्लियर? And that will be 0.0152 and approx की बात करते हैं तो 0.02 के बराबर, ठीक है। अगर आप percentage की बात करें fourth percentage error तो percentage के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से multiply करेंगे, यानी 0.02 को आप 100 से multiply करेंगे, that will be 2%। क्लियर? इस तरह से आपको numerical पे solve करना है, इस topic से numerical पूछे जाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल आपके जो बुक के अंदर है उनको ट्राई करने की कोशिश करना, अगर नहीं आते तो फिर वापस से कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।